हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता एंड आज का मेरा टॉपिक है लिप लाइटनिंग किट के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोफेशनल जो स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट होते हैं आप घर बैठ के कर सकते हैं अपने खुद लिप्स को पिंक करने के लिए। तो ये हम लोग जो अपने क्लिनिक पे करते हैं, जब क्लाइंट आता है तो उनकी डिमांड होती है कि उनको लिप पिंक चाहिए, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करते हैं, लाइक लेज़र होता है या फिर पीलिंग होती है, लिप पीलिंग होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। आप घर पर रह के ये किट यूज़ कर सकते हैं, इट्स अ स्किन जो रहता है, ये लिप लाइटनिंग किट है। इसमें दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हैं और एक लिप बाम है जो आपको अप्लाई करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि लिप डार्क क्यों होते हैं, और जो बहुत से लोग होते हैं जिनको सिगरेट पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनके लिप डार्क हो जाते हैं, तो क्यों होते हैं। लिप में जब आप कोई भी ज़्यादा चाय पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो निकोटीन होता है उसके अंदर। निकोटीन के कारण क्या होता है कि आपके जो ब्लड वेसल है वो सिकुड़ जाती है, उनमें वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, उसके कारण वहाँ पे ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है। तो जो लिप एरिया होता है इधर उधर आप देखेंगे तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, उसके कारण डार्कनेस आ जाती है, स्किन थिक हो जाती है। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो इसको यूज़ करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि ये सुपरफिशियल आपके पिगमेंट को ब्रेक कर देगी लिप के, और साथ ही साथ आपके स्किन को जो थिक लेयर होती है लिप की उसको भी ड्राई आउट कर देगा। तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको अपने लिप में आपको स्क्रबिंग करनी है, तो यू कैन टेक शुगर टू डू अ स्क्रब। आपको 1 से 2 मिनट स्क्रब करना है। मीठी मीठी है, तो शुगर से आपको स्क्रब करना है ताकि जो ड्रेड लेयर है वो रिमूव हो जाए, जो भी थिक लेयर होगी वो थोड़ा रिमूव हो जाएगी। तो जो आप सरफेस में आप यहाँ पे जो लगाएंगे पील यूज करेंगे वो इजिली उसे वर्क कर पाएगी। इस किट में दो सॉल्यूशन आते हैं, एक थोड़ा डार्क है एक ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसमें आपको पहले जो नंबर वन है उसको अप्लाई करना है, ईयरबड के एक साइड लेना है आपको, बहुत ये इसमें हाफ एम एल आता है, तो हाफ एम एल आपका इसमें जो किट है ये आपको 4-5 बार यूज हो जाएगी। आपको जस्ट एक लेयर लेनी है और यू हैव टू अप्लाई सिंगल लेयर। दूसरे साइड से आपको इसमें दूसरा स्टेप उठाना है, स्टेप टू, और ये आपको लेना है थोड़ा सा और उसको भी आपको अप्लाई करना है। You have to just massage it, rub it. इसके बाद आपको उसको 15 मिनट रखना है और जस्ट उसको रब कर लीजिएगा। हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन होगा तो डरिएगा नहीं। दोनों साइड, एक साइड से आपको स्टेप वन लेना है, एक साइड से स्टेप टू लेना है, और दोनों को लगा के मिक्स करके अप्लाई करके छोड़ देना है। ये तीन चीज़ें इसके साथ आती है लिप लाइटनिंग किट। जो लिप लाइटनिंग किट में तीन चीज़ें आती है, स्टेप वन, स्टेप टू एंड एक लिप बाम है जो आपको डेली लगाना है। इस किट की कॉस्ट है अराउंड 1500 रुपीज़, जो ये आपको कम से कम 5 से 6 बार चल जाएगा। आपको 15 दिन में एक बार यूज़ करना है। यू हैव टू अप्लाई वंस इन अ 15 डेज, और ये आपको अराउंड 5 to 6 टाइम आप यूज़ कर सकते हो। हम लोग जब पेशेंट के क्लिनिक पे आते हैं तो जो जनरली डॉक्टर्स चार्ज करते हैं इस ट्रीटमेंट का अराउंड 4 to 5 thousand पर सिटिंग, एक सिटिंग का 5000 या 4000 या 3000 चार्ज करते हैं, मिनिमम 3000 चार्ज करते हैं। तो ये किट 1500 की आती है, 1500 रुपये की आती है, जो आपको 4 से 5 बार, आप 4 to 5 सिटिंग कर सकते हो उस किट से। तो ये बहुत सस्ता है लिप लाइटनिंग के लिए। अगर आप चाहते हैं तो लिप लाइट करने के लिए एक किट आप ले सकते हो, और इसको अप्लाई करना है आपको हर 15 दिन में। इसके बाद आपको इसको वॉश करना है 15 मिनट बाद। मैं अभी जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको जल्दी से वॉश करके दिखा रहा हूँ। आपको इसको 15 मिनट बाद वॉश करना है, तो आप घड़ी देखिएगा, घड़ी में जब 15 मिनट हो जाए उसके बाद आपको वॉश करना है। उसको ड्राई आउट करना है। इसके बाद इसमें ये लिप बाम है जो आपको डेली लगाना है। जस्ट आप स्लाइटली लीजिएगा लिप बाम को और उसको अप्लाई करना है।
इस टाइप का लिप बाम आता है, इसको आपको अप्लाई करना है। और क्यों अप्लाई करना है? बिकॉज आपकी स्किन, लिप की स्किन ड्राई हो सकती है, तो आपको इसको अप्लाई करना है डेली। और धीरे धीरे आपके लिप के जो पिगमेंट है वो रिमूव होना चालू रहेंगे, लिप का कलर पिंक हो जाएगा। बहुत एकदम पिंक तो नहीं होगा, अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लैक है तो एकदम से पिंक बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट स्लोली ये आपको ग्रेजुअली उसको लाइट शेड कर देगा। तो ये है लिप लाइटनिंग किट, जिसमें स्टेप वन, स्टेप टू और ये एक लिप बाम आता है साथ में। 1500 रुपये में ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, जिसको आप 4 से 5 बार यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होता है कि कुछ सस्ता बताओ, तो सबसे सस्ता है लिप लाइटनिंग के लिए, 1500 रुपये में आप 4-5 बार यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको लिप रियली अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो चीज़ों की कॉस्टिंग तो आती है। मेरे जो सेलिब्रिटी स्किन वाइटनिंग सीक्रेट वाला वीडियो था, उसमें लोग बोलते हैं कि 7-8 हज़ार की किट आप बता रहे हैं, इतनी कॉस्टली है। तो प्लीज़ वो आप वीडियो का टैगलाइन ही है सेलिब्रिटी स्किन वाइटनिंग सीक्रेट। तो जो चीज़ें सेलिब्रिटी यूज़ करते हैं वो चीज़ सस्ती तो नहीं होगी, तो सारी चीज़ों में कॉस्टिंग आती है और चीज़ें महंगी होती हैं, बट वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती है। अगर आप कुछ बाकी ऐसी जो नॉर्मल मार्केट में क्रीम आती हैं, 2-3 हज़ार की क्रीम लगाएंगे जो रिजल्ट नहीं देगी, तो आपका पैसा वेस्ट होगा। बट जो चीज़ें मैं आपको ढूंढ ढूंढ के ला के बताता हूँ, वो रियली रिजल्ट देती हैं। तो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी एंड यू कैन अप्लाई। और ये था वीडियो लिप लाइटिंग किट के ऊपर। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ, स्टेप वन लगाना है, स्टेप टू लगाना है। सबसे पहले आपको स्क्रबिंग करनी है, स्क्रबिंग करने के बाद आपको स्टेप वन, स्टेप टू और लगा के 15 मिनट तक छोड़ना है। 15 मिनट बाद अब उसको वॉश करिए, उसके बाद ये जो लिप का जेल है, उसका जो आपका बाम है, इसको अप्लाई करना है ताकि स्किन आपकी ड्राई आउट ना हो। आपको 15 दिन में एक बार अप्लाई करना है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। और ये चीज आपको मिल सकती है www.lesscomic.com पे आप जाइएगा, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, वहां पे जाके आप उसको परचेस कर सकते हो और परचेस करने के बाद उसको अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। और स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय। और मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट करिएगा, मैं व्हाइट हेयर्स पे बताने वाला हूँ जल्दी। और मेरा एक और वीडियो आने वाला है जो बियर्ड रीग्रोथ के ऊपर है, तो रहिए। और अगर पसंद आए मेरा वीडियो तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक बेल बटन है और एक लाल रंग का टैब है, सब्सक्राइब का बटन उसको दबा दो और बेल को भी दबा दो। तो चलो बाय।